सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी देगा। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर मैम, मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है और प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी ले चुकी है, ये दूसरी बार है, कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? हम होपफुल हैं, ये हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी। अभी मैं कुछ दिन पहले अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था, बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए हैं। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। सोल्यूशन यह है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है, एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं, क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए?